ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਅੱਲਾ ਕਲਮ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਲੀ ਭਾ ਜੂਗੀ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਲੈ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर दी मेरे भैन भरा ठीक हो गए, अलहमदुल्ला सी भी ठीक है। अल्लाह पाक तुम खुश रखे, आबाद रखे। तो अज का ब्लॉग करते शुरू तो माशाल्लाह जी पौधा जो ना सा कितना खिलिया पे, तो कल बारिश हुई है जिसकी वजह से मैं कपड़े नहीं खोल सकती थी, तो मैंने सुबह फिर जो धुप निकली तो फिर मैं कपड़े खोले, तो हूँ माशाल्लाह थोड़े थोड़े खुश्क हो गए। जी देख सकते हो तो पता कि जिदा बारिश हुई सी कल तो सारिया लकड़ा जड़िया ने गिलिया हो गई सी, चुल्हे वगैरह मैं उदो ही ढके पे है, तो इस वास्ते ना हम गिलिया लकड़ा ये भी मैं बालियाँ तो बल गई हैं, तो अग भी सोहनी बल गई, तो उस मौसम जरा ना हूँ फिर भी अच्छा होया वा, तो फिर कोई पता नहीं है कि एकदम फिर खराब हो जाए तो बारिश आ गई। नाले माशाल्लाह चाय का टाइम हो गया से, इस वास्ते मैं ना चाय बना लग गई उपर लकड़ियों के उपर, तो गिलिया लकड़ियाँ बालिया वा, तो माशाल्लाह अग देखो कि बदल गई। यही मैं इस चुले तो बाल दी इधर ली थी, तो बलनी ही नहीं सी, फूका मार मार बंदा थक जाना सी, चार आ जानी सी। लो जी मैं इस चुक लिया, ओहो हो कि गंदा होया मेरे ख्याल बारिश का पानी ये तो बना के लगी हैं, जो मैं चुले तो बना लगी ना उस टाइम तुम पता चले गए मैं बना के रही हूँ। देखो चुनी का ना मैं बिल्कुल पाउडर जहा बना दिता, जो पाउडर मुंह तो लगा वाकई मुंह तो लाने वाला सूजी तो अलहमदुल्ला मैं छान ली है, तो आटा भी छान के रखे हुआ सी, तो हम मेहनत पा लें कि जिनी कसी चीज बना इन्ना जबरदस्त बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह तू तो ये लेवी बनाती किताबों जिल्द करने वाली है, हां इनू ना घंटा डेढ़ जेड़ा ना इनू दे ही रखना टक के ताकि ये सेट हो जाएगा फूल जाएगा, उसके बाद इनू बनाना स्टार्ट कर। जिंदी का पेस्ट ने रखे ना रेस्ट वास्ते घंटे वास्ते, जो उंदी का जेड़े मेरे दूसरे काम में क्या चलो भी नबेड़ लेंगे, हूँ जो छाल वगैरह से मैं सारे ला के ना तकिए ने तो मैं धोते सके, तो हूँ जो पा दें क्योंकि सराने अगर छाड़ना ना पैसे तो बुरे लगते। अलहमदुल्ला अग भी बलती पई है, उस तो इलावा जोड़ा ना टोकरी है लकड़ी रखने वाली ये ना फटी एक सैड तो हो गई सी लथ गई सी, जी वजह तो फिर मैं ना किल लगा के लगा दी जोड़ती, हूँ यह कि लकड़ियाँ डिगनगे नहीं। मैं पेस्ट बना के रखी असी माशाल्लाह भी फुलिया पाया वा, तैयार हो गया वा, तो इस वास्ते मैं हूँ अग बाल के आयल गर्म करके तो इन्हें बनाना स्टार्ट कर दी। ये भी गर्म हो गया, अग भी माशाल्लाह सोनी बलन दी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान माशाल्लाह जी मज़ेदार ते क्रिस्पी जड़ी ना रेसिपी तैयार हो गई है, ते हुण तुसी दसना वा देख के कि इहदा नाम की है रेसिपी दा, ये मिठे गुलगुले ने। नो जी तुसी सारा कुछ दसदा, अच्छा नहीं सी दसना जी मेरे भैण भरा मैनू किन्ना किन्ना नूं पता वा कि मैं की चीज आ, हां उन्होंने कदी नहीं ना खाए, उन्होंने पता नहीं है जी, हर सब नूं पता हैगा जी मिठी रेसिपी तैयार, उस ते पर जाने होणा ने गुलगुले, मैं तो कहती मैं दसना नहीं है पर इमरान ने पहले ही दस दिता। पहले दो दिन हो गए कि ना बारिश आ रही थी, तो अज के मौसम भी जो बारिश वाला बनया से पर बारिश नहीं हुई, तो पर दिल बड़ा कर लेंगे कि इतने मौसम च ना कोई गर्मा गर्म और मिठी चीज़ खाधी जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलो जी माशाल्लाह जी बड़े मज़ेदार और देखो किन्ने क्रिस्पी बने हैं ना,
छापर लगा ला दिता सी हूं जरा मैं उपर दे दी है क्योंकि बारिश होने तो पहले पहले जिदा वरना फिर कर देना बारिश भेजा गई छापर नहीं दे कल भी बारिश का ही टाइम सी अज भी यही टाइम कपड़े मैं अंदर लेके जाने लगी सी मिट्टी ने बचा देनी है पर फिर भी ने कपड़े बड़ी बारिश तो पहले ही ना सीना बारिश बना दी तो इधर लग रही जिम्मे बारिश पी होंगी है ना इन्ना क्या पानी छिड़काना ना मिट्टी जी जम गई हूँ उड़ेगी नहीं जिदा मर्जी बंदा बाहर भी पहला जी इमरान पौद्या की ना गोडी कर दे ताकि ना बारिश आएगी ना तो बारिश जड़ा च अच्छे तरीके पानी बैठ जाएगा ताकि लग जाएगा ना तो फिर माशाला सुख जाना पौधा जरा ना माशाला खिल जाएगा इंशाला दूसरा जो पौधा ना देखो माशाला पहले सीधे ही खड़ा हों तो इदा लगता है वादा फुलता ही नहीं तो हूँ माशाला कल नेरी चली ना हवा चली और वजह तो खिलर गया हूँ माशाला सोहना लगन दिया तो लाल लाल पत्ते हरे हरे देखो आसमान के उपर ना काला सिया बदल आ रहा वा तो लगता है कि बारिश जी जोरों की होनी है तो इस वास्ते ना उस तो अलावा जरा मैं मिट्टी का बर्तन क्यों चुकया है हांडी चुकी है हांडी तो टुट गई है बिल्कुल आ देखो खराब हुई तो हूँ हांडी बनाने भी लायक नहीं है हांडी भी इस पकनी है इस वास्ते मैं हूँ यदा सोचा वा कि अजय आप जाया नहीं करना है इस्तेमाल करना किस तरीके करना वा तो ये हम सब तो पहले ना मैं मिट्टी भर के लिया फिर मैं दसती ये मैं की बीजना बारिश भी ना तेज तेज पैन आ रही देखो कितनी मोटी मोटी पड़ी है कल भी ना मैं गिर गई थी क्योंकि चिक्कड़ जी हो गया ना इधर ही सैड तो यह भी उधर लपाई हुई थी इस वास्ते ना इधर चल नहीं हुंदा तो इस वास्ते इमरान चिकन गए हम लकड़ियाँ जी सुकी सुकी ताकि असी ना अग बाल लईए
ਵਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਫੜ ਖੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗੇ ਪੈਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਧੋ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਟ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲਾਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ ਵਰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੋਣੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਮਸਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਤਕੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੇਲ ਡਿੱਗਣੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਸ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੌਦ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼